नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने ये लाइनिंग वाली ड्रेस बनाई थी जिसका गला सबको पसंद आया था। तो आज मैं ये तरीका गला बनाने का सिर्फ आपको बता रही हूँ। गले की चौड़ाई 3 इंच है, पीछे के गले की गहराई 1 इंच है, अगला गला 4 इंच गहरा है और अगला और पिछला पल्ला लाइनिंग का एक साथ काटा है। ये हमारा ड्रेस का कपड़ा है जिसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे तो ये अगला और पिछला पल्ला एक साथ कटिंग हो जाएगी। इसको रखते हुए, लाइनिंग को रखते हुए मैं सिर्फ पिछले पल्ले के हिसाब से, पिछले पल्ले के निशान के हिसाब से कटिंग कर लूंगी। पीछे का पार्ट निकाल लिया, लाइनिंग रखते हुए इसको सेट कर लिया कपड़े को, और लाइनिंग का भी जो पिछला पल्ला है उसको निकाल दिया ताकि हम अगला गला काट सकें। आपको यदि ये पूरी वीडियो देखनी हो ड्रेस की तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, शेयर की हुई है। अब जो पीछे वाला जो हमारा पार्ट है ड्रेस का, उसमें 2 इंच का डीप कट लगा दिया। ये कट जो है आप लाइनिंग पर भी लगा सकते हैं, ड्रेस पे भी। अब लाइनिंग के कंधे जोड़ लेंगे कपड़े की उल्टी तरफ से, और जो ड्रेस का कपड़ा है उसके भी कंधे जोड़ लेंगे कपड़े की उल्टी तरफ से। जो हमारी ड्रेस है, देखिए दोनों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे कि हमारी सिलाइयां बाहर की तरफ हो। आपको दिख पा रहा होगा कि कंधे की सिलाइयां आप देख सकते हैं दोनों साइड से बाहर की तरफ है, और इन सिलाइयों को एक तरफ दबाते हुए गले के सब तरफ पिन लगा लेंगे। कच्चा भी कर सकते हैं, ये इसलिए ताकि सिलाई लगाना आसान हो जाए। ना तो आपको लाइनिंग को खींचना है और ना कपड़े को खींचना है, कोई से भी तरीके को खींचना नहीं है, वरना कपड़े में सफाई नहीं आएगी। कट हमने पहले ही लगा लिया था तो ये लाइनिंग के ऊपर कट लगाया है। रखते हुए इसको इसके भी सब तरफ पिन लगा लेंगे। मैंने कट इसलिए लगाया है पहले ताकि आपको कट के सब तरफ से सिलाई लगाते हुए गले के सब तरफ सिलाई लगाना बता सकूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो हमारा कट लगाया था पीछे का, ये कट आप 2 इंच गहरा भी लगा सकते हैं, और मैंने 2 इंच तक लगाया, आप 3 इंच तक गहरा भी लगा सकते हैं। ये डिजाइन दिखने में बहुत सुंदर लगता है तो आप अगले गले के लिए भी ऐसा बना सकते हैं। इस कट के तीनों तरफ सिलाई लगाने के बाद, देखिए इसके बाद में सबसे आखिरी में हम इस कट के बीचों बीच कट लगाएंगे, कैंची से कट काट देंगे उसको, ठीक है, ताकि वो खुल जाए हमारा कट। अभी तो हमने उसे बंद कर दिया है। अब हम गले के किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे, कंधे के जोड़ को एक तरफ दबा देंगे, पिछली तरफ दबाएं तो बेहतर रहेगा, कपड़े को खींचना नहीं है, सिर्फ सहूलियत से पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये मैंने नेट की ड्रेस, ब्रोकेड और नेट की ड्रेस बनाई थी काफी पहले, जो बहुत ही सुंदर बन गई थी। और आपको पूरी ड्रेस देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप देख लेना। अब ये जो कट लगाया था पीछे की तरफ, इसके बीचों बीच सिलाई के बीचों बीच कट कर लीजिए, और गले के
सिलाई को बचाते हुए गले के सब तरफ हल्का हल्का कट डाल दीजिए ताकि गले को पलटना आसान हो जाए। बहुत ही आसान सा गला है ये, आप किसी भी ड्रेस में बना सकते हैं। और ये जो मैंने बनाया है गला, मैंने 4 इंच गहरा रखा है आगे का, आप 5 इंच या 6 इंच तक गहरा भी रख सकते हैं, जितना आपका गला आ जाए ठीक से। वैसे 4 इंच में भी बड़े मजे से आ जाएगा। अभी एक बार प्रेस लगा लीजिए ताकि सिलाइयाँ बैठ जाए किनारे की। और ऑप्शनल है कि आप किनारे किनारे, बिल्कुल किनारे किनारे पतली सिलाई लगा लीजिए। आप कोई बीड्स भी लगा सकते हैं, कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सीधी सिंपल ब्रोकेट की ड्रेस है। ये कपड़ा ब्रोकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और लाइनिंग मैंने कॉटन की इस्तेमाल की है। अब पिछली तरफ, एक तरफ तो मैंने बटन टांग दिया और दूसरी तरफ मैं लगाऊंगी लूप। तो जो लूप होते हैं वो भी मेटल के मार्केट में बने बनाए भी मिल जाते हैं, वरना मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। जब मेटल का लूप ना बने तो पहले इस तरीके से आप लूप बना लें और धागे के जो लूप बनाया है उसके बीच में से निकालते हुए, जैसे मैंने ये धागे के बीच में से सिलाई सुई निकाल करके ऐसे गांठ बनाते हुए बनाया है लूप का, जंजीरी सिल धागे के जैसे, तो इस तरीके से ये भी मजबूत हो जाता है और आपके बटन के साथ सही से लग जाता है। तो ये आसान तरीका है, आप इस गले को, कोई भी ड्रेस है आप इस गले के डिज़ाइन को बनाइए और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप चाहिए तो इसका लुक देखने के लिए जो मैंने लिंक दिया है उस पर आप देख भी सकते हैं कि मेरी ड्रेस कैसी बनी थी। तो देखते रहिएगा, लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपकी।